हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। आज के लेक्चर में हम जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स का पार्ट 4, जो कि लास्ट पार्ट है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, पार्ट 1, 2, 3 भी ज़रूर देखें जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स के, और इसके अलावा जून के करंट अफेयर्स भी ज़रूर देखें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला करंट अफेयर है रिगार्डिंग नैम। नैम का नाम आपने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना होगा। नैम का मतलब होता है नॉन अलाइन मूवमेंट। ओके, नैम न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज नैम की रिसेंटली मिनिस्ट्रियल मीटिंग कंडक्ट की गई। पहली बात, हमें ये पता होनी चाहिए कि मीटिंग हुई कहाँ पे, और सेकंड बात, उस मीटिंग का थीम पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले कहाँ पे हुई? वेनेजुएला के कैरकस में। उसके बाद इसका थीम क्या था? थीम था प्रमोशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पीस थ्रू रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। ओके, सेकंड करंट अफेयर इज रिगार्डिंग TOI 270। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ TOI 270? TOI 270 बेसिकली ड्वार्फ स्टार का नाम है, जिसको कि नासा के मिशन टेस ने रिसेंटली डिस्कवर किया है। ओके, टेस की फुल फॉर्म भी याद रखना, टेस की फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, और ये किसका मिशन है? नासा का। ओके, नेक्स्ट थर्ड न्यूज़ इज रिगार्डिंग अटल इनोवेशन कम्युनिटी सेंटर। इसमें जस्ट आपको ये याद रखना है कि अटल इनोवेशन कम्युनिटी सेंटर को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट फोर्थ करंट अफेयर इज, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया को बोला है कि जो इंडिया के नागरिक हैं, मीन जो इंडियंस हैं, अब उनको अगर उन्होंने श्रीलंका में एंटर करना है तो उनके वीज़ा पे कोई फीस नहीं लगेगी। कौन सी कंट्री है? श्रीलंका। ओके, इसके साथ ही जो इंडिया है वो 48 कंट्रीज में से हमें श्रीलंका ने ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। ओके, नेक्स्ट सो फिफ्थ करंट अफेयर है कि जुलाई 30 और जुलाई 29, इन दोनों के बारे में आपने याद रखना है। जुलाई 30 को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। ओके, और इसका थीम क्या था इस साल का? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन। ओके, उसके बाद जुलाई 29 को ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ग्लोबल टाइगर डे पे इस बार टाइगर सेंसस को भी रिलीज किया गया, उसके बारे में हम आगे आने वाले करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। ओके, सो अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो। सो नेक्स्ट करंट अफेयर है सेवेंथ, रिगार्डिंग चंद्रयान 2 मिशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चंद्रयान 2 मिशन। अब आप नाम को तोड़ के देखो, चंद्रयान मतलब क्या है? चंद्र मीन्स मून, यान मीन्स कोई व्हीकल है, ठीक है, जो कि मून पे जा रहा है। मतलब चंद्र यान का मतलब क्या हुआ? कोई यान मून पे गया। ओके, सो ये इंडिया का बेसिकली सेकेंड मिशन था मून की ओर। उसके बाद जो चंद्रयान 2 मिशन है उसको GSLV MK3 से लॉन्च किया गया। ओके, मतलब इसके द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद आपको मेन इसके बारे में कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। बेसिकली जो चंद्रयान 2 मिशन है उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स थे। एक था ऑर्बिटर, जो कि मून के आले द्वाले चक्कर लगाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटर। ओके, सेकंड इज लैंडर। जो ऑर्बिटर कौन सा हो गया? जो चक्कर लगाएगा। अब जो मून के सरफेस पे लैंड करेगा उसको क्या बोलते हैं? लैंडर। और इसका नाम पूछा जा सकता है कि लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, याद रखना। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट इज रोवर, जो कि लैंडर में से निकलेगा और मून के सरफेस पे मूव करेगा। ओके, बेसिकली ये 6 पहियों वाली गाड़ी होती है। ओके, और वो मूव करती है, उसको हम बोलते हैं रोवर। रोवर का नाम क्या है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो आपने याद रखना है लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का क्या नाम है? प्रज्ञान। और इसको लॉन्च किससे करें? GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 से इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और इसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा मिशन, इसके बाद इंडिया ऐसी फोर्थ कंट्री बन जाएगा जिसने कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है मून के सरफेस पे। और पहली 3 कंट्रीज़ का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन कौन सी है? रशिया, US और चाइना, और फोर्थ इज़ इंडिया। तो ये कुछ बेसिक्स थे, आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ 8th करंट अफेयर रिगार्डिंग पेंसिल पोर्टल। अब पेंसिल पोर्टल जो है, सबसे पहले तो पेंसिल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में सीधा आ जाएगा
कि जो पेंसिल पोर्टल है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है. ओके, सो पेंसिल की फुल फॉर्म से आपको पता लग जाएगा कि किसके रिगार्डिंग है. पेंसिल की फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है ये. ओके, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उसके प्रोविजंस को इन्फोर्स करवाना अच्छे से. ओके, और सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम चल रही है उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना. ओके, मेन आपसे बस ये पूछेंगे कि पेंसिल पोर्टल जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, वो चाइल्ड लेबर के साथ रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है. बेसिकली जो ये पोर्टल है इस पर कंप्लेंट कॉर्नर बनाया गया है जहाँ पे कोई कंप्लेंट कर सकता है अगर किसी को दिख रहे हैं ऐसे केसेस जहाँ पे बच्चों से लेबर करवाई जा रही है. ओके, और इस पर ही चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी है पोर्टल पे. ओके, नेक्स्ट नाइन्थ करंट अफेयर इज, ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने पास किया है बिल कि अब से उनकी स्टेट में जो फैक्ट्रीज हैं उसमें 75% जॉब्स लोकल्स को दी जाएंगी. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश. और ऐसा करने के बाद जो आंध्र प्रदेश है वो इंडिया की ऐसी फर्स्ट स्टेट बन गई है जिन्होंने कि जॉब्स को रिजर्व किया है वहाँ के लोकल लोगों के लिए. नेक्स्ट टेंथ करंट अफेयर इज रिगार्डिंग स्केली फुट स्नेल और उसका दूसरा नाम है सी पेंगोलिन. ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज जो सी पेंगोलिन है वो ऐसी फर्स्ट स्पीशीज बन गया है जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया ड्यू टू डीप सी माइनिंग. ओके, इसको बेसिकली IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें शामिल किया गया. ओके, नेक्स्ट 11th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स. ये एक बुक का नाम है और इसको किसने लिखा है, श्री हरिवंश. आपको नाम याद रखना है कि किसने इसको लिखा है, श्री हरिवंश. ओके, नेक्स्ट 12th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग केयर फॉर यू ऐप. अब ये ऐप जो है उसके बारे में दो चीज़ें पता होनी चाहिए. पहली बात, इस ऐप को डेवलप किसने किया है. सेकेंड बात, इसका काम क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको डेवलप किसने किया है. बेसिकली IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने. सेकेंड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्प करना एल्डर लोगों की. जो बूढ़े लोग होते हैं वो कई बार गिर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी बॉडी का वेट संभाल नहीं पाते. तो इस ऐप की हेल्प से जो भी उनका केयर टेकर है उसको मैसेज चला जाएगा कि वो ऐसे गिर गए हैं, आप तुरंत उनके पास पहुंचो. ओके, बेसिकली इसका काम यही है. नेक्स्ट 13th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग प्रीति पटेल. प्रीति पटेल जो हैं वो ब्रिटेन की फर्स्ट ऐसे इंडियन ओरिजिन वीमेन है जिनको कि होम सेक्रेटरी बनाया गया. ओके, नेक्स्ट 14th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग MOU, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और नेट हेल्थ के बीच में. किस रिगार्डिंग है ये मेमोरेंडम, बेसिकली आयुष्मान भारत के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है. आयुष्मान भारत में सर्विसेज की प्रॉपर डिलीवरी हो उसके लिए MOU साइन किया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और नेट हेल्थ के बीच में. ओके, सो 15th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग ड्रैकेना कैम्बोडियाना. ओके, बेसिकली ये है क्या, ये इंडिया का फर्स्ट ड्रैगन ब्लड ओजिंग ट्री है और ये कहाँ पे मिला है, असम में. बेसिकली जो ये ट्री है ना, इसमें से एक सैप रिलीज होती है, मतलब जब भी इसकी वुड को कट करते हैं तो एयर की कॉन्टैक्ट में आने से जो वो वुड है उसमें से रेड कलर का ब्लड जैसा जो लिक्विड है वो निकलता है, ठीक है. इसके जो ये ट्री है इसके बहुत से फायदे हैं मेडिकल पर्पस के लिए. चाइना में ये बहुत पाया जाता है, पहली बार इंडिया में मिला है कहाँ पे, असम में. ओके, नेक्स्ट 16th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग अंडर वाटर म्यूजियम ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स. फर्स्ट ऐसा दुनिया का अंडर वाटर म्यूजियम जहाँ पे मिलिट्री व्हीकल्स को रखा गया है वो कहाँ पे ओपन हुआ है, जॉर्डन में. और कौन से सी के अंडर है, क्योंकि अंडर वाटर है तो किसी वाटर बॉडी के अंडर होगा, कहाँ पे है, रेड सी में. ओके, किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया, जॉर्डन ने, याद रखना. नेक्स्ट 17th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग किरण रिजू कमेटी. जो किरण रिजू कमेटी है वो क्यों बनाई गई है, ताकि ओलंपिक्स जो कि 2020 में और 2024 में आने हैं उनके लिए प्रेपरेशंस को स्ट्रेटजाइज किया जाए, बेसिकली स्ट्रेटजी बनाई जाए. ओके, नेक्स्ट 18th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग 5th धर्मा कॉन्फ्रेंस. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई. वो बेसिकली बिहार के राजगीर में कंडक्ट की गई
और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी ने, सेकंड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी इंडिया फाउंडेशन, दैट इज CSRSIF। ओके, नेक्स्ट 19th करंट अफेयर है रिगार्डिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे कंडक्ट की जाएंगी? असम के गुवाहाटी में। ओके, नेक्स्ट 20th करंट अफेयर है, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पिछले 18 सालों में आज तक के डेंगू के केसेस आए हैं? कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। बेसिकली बांग्लादेश में आज तक डेंगू के इतने केसेस नहीं आए 18 सालों में पिछले, जितने कि इस बार आए हैं। ओके, सो सारे रिकॉर्ड वहाँ पे ब्रेक हो गए हैं। 21st करंट अफेयर है, ऐसे फर्स्ट पायलट IAF के कौन हैं जिन्होंने की विंग सूट स्काई डाइविंग जंप की? उनका नाम है तरुण चौधरी। ओके, नेक्स्ट 22nd करंट अफेयर है रिगार्डिंग पाकिस्तान में उस टेम्पल का नाम बताओ जो कि 72 ईयर बाद खोला गया। उसका नाम है श्वाला तेजा सिंह। ओके, श्वाला तेजा सिंह, और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस में। सो 23rd करंट अफेयर इज रिगार्डिंग बोइंग AH-64E एपचे हेलीकॉप्टर्स। ये है क्या? ये वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। ओके, और ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इंडिया 14th ऐसी नेशन बन जाएगी जिसके पास ये हेलीकॉप्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट 24th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग 23rd प्रेसिडेंट कप। ये न्यूज़ में क्यों है? बेसिकली सबसे पहले जो ये प्रेसिडेंट कप है उसके लिए जो टूर्नामेंट है वो इंडोनेशिया के लबॉन बोजो में ऑर्गेनाइज किया गया, और ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इसमें मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट 25th करंट अफेयर है रिगार्डिंग पीपल्स चॉइस अवार्ड। ये किनको मिला है? बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ओके, नेक्स्ट 26th करंट अफेयर है इन्फोसिस ने अपना साइबर डिफेंस सेंटर कहाँ पे ओपन किया है? वो किया है रोमानिया के ब्यूकारेस्ट में। ओके, नेक्स्ट 27th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग इंडिया नेपाल लॉजिस्टिक समिट। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? नेपाल के काठमांडू में, और इसका थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिस्टिक लैंडस्केप। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग फर्स्ट हिमालयन कॉन्क्लेव। फर्स्ट हिमालयन कॉन्क्लेव को कहाँ पे कंडक्ट किया गया? उत्तराखंड के मसूरी में। ओके, नेक्स्ट 29th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग टाइगर सेंसस, जिसके बारे में मैंने बात की थी पहले। ओके, इसका नाम क्या है? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट रिपोर्ट 2018। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसके मुताबिक जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 2,967, और सबसे ज़्यादा इंडिया में टाइगर कहाँ पे मिलते हैं? मध्य प्रदेश में, देन कर्नाटका, देन उत्तराखंड, देन महाराष्ट्र एंड देन तमिलनाडु। मतलब ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे अच्छे नंबर पे मिलते हैं टाइगर्स। और ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें कि टाइगर की पॉपुलेशन में गिरावट देखी गई? कौन कौन सी स्टेट्स हैं? छत्तीसगढ़ और मिजोरम। ओके, सो नेक्स्ट करंट अफेयर इज लास्ट करंट अफेयर है जुलाई का। ओके, वो है रिगार्डिंग R27। सबसे पहले एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा, R27 है क्या? ये बेसिकली मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ओके, और ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इंडिया ने रशिया के साथ डील किया इसको प्रोक्योर करने के लिए। ओके, बस इतने से फैक्ट्स आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। एक तो आपको ये याद रखना है कि R27 है क्या, मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, और सेकंड इंडिया ने किस कंट्री के साथ डील किया इसको प्रोक्योर करने के लिए? रशिया के साथ। ओके, सो ये थे जुलाई के करंट अफेयर्स। अब हम नेक्स्ट अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।